विद्वान है इसीलिए साइंटिस्ट बन पाए हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे संस्कृत के विद्वान हो चुके हैं। इस बात को आधुनिक विज्ञान नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसको अपलोड नहीं कर सकता। आप किसी भी साइंटिस्ट की अपनी ऑटोबायोग्राफी देख लीजिए, चाहे विज्ञान प्राप्त किया उसको अनुवाद करके उसको इम्प्लीमेंट करके उसको समझ कर ही आधुनिक जमाने के ये मॉडर्न इक्विपमेंट सब बना पाए हैं। तो आधुनिक काल में अगर मैं कहूँ तो हमारे सोर्स ऑफ साइंस के तो ये प्रकृति ही हमारा सोर्स ऑफ साइंस है। आप ये ऐसा समझ लीजिए कि भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो पूरे विज्ञान को एक हार्ड डिस्क में यानी प्रकृति में स्टोर करके रख दिया। वो प्रकृति से बात करे, अपने अपने को प्रकृति से कनेक्ट करे और कनेक्शन पूरी गोवर्धन पीठ परिसर आरंभ हो विज्ञान संगोष्ठी कार्यक्रम पांच दिन होगा। कार्यक्रम में आठटी विषय पर आलोचना एवं समीक्षा करा हो। प्रथम दिन में विषय वस्तु थिला विज्ञान और ज्ञान परिभाषा। प्रथम दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस रे इसरो वैज्ञानिक मैंने योगदान कर विज्ञान परिभाषा उपरे निज निजर संदर्भ प्रकाश करते। कार्यक्रम शेष में जगद्गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती कोरोना महामारी नहीं सचेतनता एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा उपरे अनेक उपादेय कथा कहते। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, भगवान ने जो दुनिया बनाई सृष्टि की रचना की, उसको समझने पर कभी भी विज्ञान दिशाहीन नहीं हो सकता। हमारा आपका जीवन दिशाहीन नहीं हो सकता है। सृष्टि संरचना के प्रयोजन का ज्ञान न होने के कारण मन कल्पित विधा से जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया गया उसका विस्फोटक परिणाम है। आज ही मैं पढ़ रहा था, आजकल दूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां बंद हैं तो गंगा यमुना आदि का जो जल है वो बहुत अपने आप मौलिक स्वरूप की ओर आ रहा है। उसी प्रकार आज मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था, विविध जो पुष्प इस समय लगते हैं इतने सुंदर वो नहीं दिखाई पड़ते थे, अब उनको जीवनी शक्ति प्राप्त हुई है क्योंकि मलिनता दूर हो गई फैक्ट्री आदि के बंद होने पर। वो भी बहुत उत्तम निखरे हुए रंग से युक्त पुष्प को प्रकट कर रहे हैं।